नमो नमः स्टूडेंट क्लास अपना बच्चों सदैव पुरतो निदेहि चरण आपने इसको अच्छे से अपने कदम आगे ही बढ़ाने चाहिए ना कि पीछे करने चाहिए। चाहे हमारे कठिन परिस्थिति आए हमें आगे बढ़ते रहना है और अपनी जो भी जो लक मंजिल है उसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो अपने इसमें दो हो गए थे, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पथि पाषाणा विषमा हिंसा पशु है परितो घोरा सदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि यानी क्या होता है, रास्ता। ठीक है, पाषाण होते हैं और विषमहा जो विषम असामान्य जो होता है, विषमहा असामान्य जो परिस्थिति होती है उसके लिए इसको यूज हुआ है। परखराहा नुकीले एकदम तीखे पत्थर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते में पत्थर पड़े रहेंगे नुकीले तीखे कंटीले, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को किसकी संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई, किस प्रकार के आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, है ना। मार्ग में बड़े बड़े पत्थर, ऐसा माने उबड़ खाबड़ जगह है रास्ते, है ना, नुकीले पत्थर, ऐसे आपको मार्ग में ऐसी बड़ी बड़ी असामान्य परिस्थितियाँ, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, ऐसी परिस्थितियाँ हमें मिलेगी। हिंसा पशु घोरा, और जो हिंसक पशु है, हिंसा यानी हिंसक पशु है पशु परितो चारों तरफ से घोरा होंगे, जो हिंसक पशु है हमें चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। सदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदुष्करम यानी जो हमारी जो यात्रा है वह अत्यंत कठिन होगी, बहुत ही सदुष्कर होगी। खलु फिर भी निश्चित ही, यद्यपि हालांकि, गमनम यद्यपि गमनम यानी हालांकि, फिर भी हमें चलते रहना है, गमन करते रहना है, रुकना नहीं है। यानी हमारे मार्ग में अनेक सामान्य नुकीले तीखे उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, पत्थर आएंगे, हिंसक पशु हमें चारों तरफ से घेरे हुए होंगे, हमारा रास्ता जो है सदुष्कर होगा, कठिनता पूर्वक होगा, अत्यंत ऐसा होगा कि जिसमें हम नहीं जा सकते, लेकिन निश्चित रूप से फिर भी हमें उस रास्ते में जाना होगा, अर्थात हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। जैसे जो माउंट एवरेस्ट पर जो ये होते हैं ना पर्वतारोही वगैरह जो होते हैं, उनके मार्ग में ये सब चीज़ें आती हैं, देख लो कितनी कितनी उनको प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही नहीं है, हमें हमारा कोई लक्ष्य होता है तो उसमें जब हमें उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएँ आती है। एग्ज़ाम में पास होना, कभी एक नंबर से रह जाते, कभी दो से, तो भी हम इन चीज़ों की संज्ञा दे सकते हैं कि हमारे मार्ग में हर साल में ये अटेंड करता हूँ ये एग्ज़ाम और मैं हर साल इसमें फेल हो जाता हूँ, या उससे भी कोई आईएएस आरएएस, है ना, डीएसपी, कुछ भी बड़ा पद आपको चाहिए तो हमारे मार्ग में इस प्रकार की बाधाएं आती है। लेकिन बाधाओं का क्या है, वो तो आती जाती रही है, और बाधाएं उन्हीं के आती है जो अपने कार्य के लिए जो समर्पित होता है, जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर होता है, उन्हीं के मार्ग में बाधाएं आती हैं। और जो इनके लिए तत्पर नहीं होता है, जो उस मार्ग में चलेगा ही नहीं, उस कार्य के लिए प्रेरित ही नहीं होगा, उस कार्य को करेगा ही नहीं, उसके मार्ग में बाधाएं थोड़ी ना आती है, नहीं आती ना। हाँ, इसी प्रकार फिर आगे है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यद्यपि ये सारी प्रॉब्लम्स बाधाएं हमारे रास्ते में आएगी, फिर भी हमें अपने कदम आगे ही बढ़ाना है, ना कि उन बाधाओं को देख कर पीछे कदम बढ़ाना है। ठीक है, जहि ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि रास्तानुरक्तिम कुरु कुरु सततम धेय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही यानी छोड़ दो भीति, अपने भय को, अपने अंदर के डर को छोड़ दो, और भज भज शक्तिम
यानी अपनी शक्ति को जपो। अपनी जपने का मतलब, भजने का मतलब, अपनी शक्ति को पहचानो। आप एक ईश्वर की बनाई हुई ऐसी रचना है कि आपके अंदर अपार शक्तियाँ होती है, बस जरूरत है तो उन शक्तियों को आपको समझने की। कहते हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई भी जो आप करना चाहो वो नहीं हो सकता है ना। तो हमेशा हम अपने मन में जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, वैसा हम करके दिखा सकते हैं। तो हमें अपनी शक्ति को भजना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे में ये पावर है। तो भज भज शक्तिम का अर्थ यहाँ पे यही है कि अपनी शक्ति को जपो कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कभी भी निगेटिव तो लाओ ही मत, नकारात्मकता लाओ ही मत, पॉजिटिव लाओ कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। विदेही का मतलब होता है करो, राष्ट्रे राष्ट्र के लिए, तथा अनुरक्तिम प्रेम करो राष्ट्र से। प्रेम किससे करो? हमारे जो राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति भक्ति रखो, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखो, राष्ट्र के प्रति प्रति प्रेम रखो। ठीक है, फिर है कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु यानी करो, सततम निरंतर, ध्येय अपना लक्ष्य है ना, ध्येय यानी लक्ष्य, जो भी आपने जो डिसाइड किया है अपने जीवन में वो लक्ष्य रखो हमेशा। ठीक है, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो सदैव पुरतो नि अपने राष्ट्र के जो प्रति जो लक्ष्य है, जो ध्येय है आपका, उसको स्मरण करते हुए सदैव अपने कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ अपना ये कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताइएगा कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा आपको कोशिश करूँगी। और ये जो पूरा जो एक गीत है, ये राष्ट्रवादी गीत है ना, ये राष्ट्रवादी जो कवि है श्रीधर भास्कर वर्णेकर इनका, इसको आपको इस गीत को अच्छे से राग में आपको इसको याद करना है। कभी भी आप जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें इसको गा सकते हैं। ये एक राष्ट्रवादी गीत है, बहुत अच्छा गीत है। तो ये हर बच्चे को, आपकी जो जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो सबको ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका भी मैं आपसे कभी भी मैं कोई टेस्ट में कुछ भी इसका मैं पूछ सकती हूँ कि आपको वो गीत आता है कि नहीं आता है। तो ये गीत आपको अच्छे से आना चाहिए और विद ट्रांसलेशन आपको इसका हिंदी ज़रूर आना चाहिए। एक एक शब्दों का मैंने अर्थ बताया है और इसकी जो शब्दार्थ होते हैं उसमें भी इनके अर्थ होते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया आप इनको पूछिएगा। ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िए और फिर इसको बिना देखे आप इसको गाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।